मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विशिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, शिवी से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि चैनल का नाम ही मेरे स्माइल विशिवी है। अगर मेरी वीडियो में शिवी की स्माइल नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो इस वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं और आगे मैं आप आज संडे है, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत तेज धूप निकली है। कल तक वेदर थोड़ा सही था, विक्रम कहते थे कल लग रहा था बारिश होगी, मगर होते होते रह गई, दिल के आंसू अरमाओं में बह गई। यही बोला था ना अभी आपने, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सीने में रह गए। अच्छा, और शिवी मैडम आ गई हैं अपने दो दो ओल्ड ब्रश लेकर के, क्योंकि शिवी के मंथली ब्रश चेंज होते हैं तो पुराने ब्रश से वो खेल रही है, मुंह में नहीं डालती, उसको ऐसे से खेलती रहती है, ऐसे से करती रहती है। तो शिवी आप ठीक है? शिवी को बहुत, मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज संडे के दिन कैमरा उठा भी आई थी, मैंने लास्ट मंडे शूट किया था, उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाया। पीछे आपको इंडक्शन की आवाज आ रही होगी क्योंकि मैंने इसमें रखे हैं छोले। और कल मिस्टर की डिमांड थी कि पूरे हफ्ते तुमने, शिवी की तबीयत थोड़ी वीक थी तो हमने ऐसे दाल रोटी सब्जी रोटी मतलब वही कुछ स्पेशल, मिस्टर ने बोला कुछ स्पेशल बना दो, तो इन्होंने परसों या हाँ एक दिन पहले फ्राइडे को, आई थिंक फ्राइडे शाम को इन्होंने बोला मुझे छोले भटूरे खाने का मन है, तो ना मेरे पास छोले थे और ना मैदा था। फिर बिग बास्केट से सामान मंगवाना था, राशन मंगवाना था, राशन में भी बहुत लिमिटेड चीज मंगवानी थी, तो मैंने तो छोले पैदा आ गया। उसके साथ मैंने साथ में ये ऑर्डर किया था हल्दीराम का मल्टीग्रेन का डोसा। ये मैंने सोचा मैं अपनी शिवी रानी को खिला के देखती हूँ। जब मैं हल्दीराम जाती थी कभी तो मैं डोसा वहां पे हल्दीराम का जरूर खाती थी, या ये खाते थे छोले भटूरे, मैं खाती थी डोसा या फिर राज कचौड़ी। मुझे हल्दीराम की राज कचौड़ी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब साइज छोटे हो गए, पहले साइज बड़े होते थे, बट फिर भी वो अगर एक आप कचौड़ी खाते हो तो एक पर्सन खाते तो पेट भर जाता है, काफी हैवी होती है। तो राज कचौड़ी मैं नहीं बना रही हूँ, तो ये मैंने हल्दीराम का ही बिग बास्केट से मंगवाया था मल्टीग्रेन का डोसा, इंस्टेंट डोसा। तो मैं आज इसको ट्राई कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा लेकर सिर्फ शिवी के लिए बनाऊंगी, अपने लिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो छोले भटूरे खाएंगे, शिवी खाएगी डोसा। और शिवी को अगर अच्छा लग गया तो ऑब्वियसली फिर तो अच्छा ही है, और हम लोग कभी और बनाएंगे। हम लोग जब खाएंगे तो मैं इसके साथ सांभर भी बनाऊंगी और थोड़ा सा पनीर या आलू की स्टफिंग करके बनाऊंगी, थोड़ा हैवी हो। तो ये जो है ना पूरा पैकेट 55 रुपए का, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, 55 रुपए का है, और इसमें जो है ना 200 ग्राम का है और 100 ml कर्ड मिलाओगे मतलब दही मिलाओगे तो ये 300 ml का बन जाएगा कुछ बैटर जो है। तो मुझे लग रहा है ये दो से तीन लोगों के आराम से हो जाएगा। चाय के साथ तो हम खाएंगे सिर्फ रस, जो कि पार्ले जी का ब्रिटानी का रस था, और उसके बाद सिटी आने वाली 1 2 3 आई 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 आई। तो अब मैं जा रही हूँ ये हल्दीराम का जो मैं बैटर लाई थी बनाने के लिए रेडी टू ईट वाला, कि बनाओ और खाओ। तो देखिए इसको मैं कैसे रेडी कर रही हूँ। इसमें जैसे इसमें लिखा था कि दही मिलाइए और उसके बाद एक बैटर बना लीजिए, रनी बैटर, तो मैं हल्का हल्का पानी भी मिला रही हूँ। और जैसे मैंने देखा भी है लोगों को, हम पहले जब जाते थे कहीं खाते थे तो देखते थे कि उसका बैटर बहुत ही रनी टाइप का होता, तो उसी तरीके से बनाया है। यहाँ पे तवा को मैंने हल्का सा पानी से लेकर के उसको कर लिया है, जो मेरे पास साफ कपड़ा था। और देखिए यहाँ पे बैटर मैंने डाला है, फर्स्ट टाइम मैं घर पे ट्राई कर रही हूँ, बट मुझसे ऑनेस्टली बताऊँ नहीं बना। ये उत्पम ज़्यादा लग रहा था, डोसा कम लग रहा था, क्योंकि डोसा काफ़ी क्रिस्पी होता है। दूसरी तब मैंने यहाँ पे दे दिया था शिवी को ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैंने आटा लगा लिया था यहाँ पे, ये भटूरे का आटा, और लगा करके मैंने रख दिया है इसको रेस्ट करने के लिए। और मैं जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद आने के बाद मैं किचन में फिर से लग गई और मैंने काम करना शुरू कर दिया, यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। देखिए मसाले छोले, और क्योंकि छोले भी उबाल करके रख दिए थे और एक तब आटा लगा देते, और आटा लगाने का उसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा मिला, इंस्टेंट भटूरे से ज़्यादा। मुझे लगता है 1-2 घंटे अगर आप आटा गूंद करके रख दोगे भटूरे का, तो शायद वो ज़्यादा और अच्छे बनते हैं भटूरे, और टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पे ये मसाला भी देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला पूरा बन गया। मसाले में मैंने सिर्फ प्याज जो है वो चॉपर में चॉप की थी, अदरवाइज़ मैंने टमाटर भी वैसे काट के डाले थे। इसमें अब मैं डालूंगी पानी छोले में, वो भी जो पानी बॉयल करते वक्त ब्लैक पानी जो होता है वैसे, तो उससे छोले से कलर भी आ जाता है और बस टेस्ट भी उसमें ही रहता है, क्योंकि सारा सब कुछ तो उसी में ही पानी में होता है। तो ये छोले मेरे गाढ़े गाढ़े बन गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखी जा रही है न्यूज़, और शिवी को नहलाना है, तो वो शिवी के पापा कह रहे थे मैं नहला दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, आप काम कर लो।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भटूरे जो हैं फटाफट अब सब लोग नहा चुके हैं, तो मुझे लगा कि चलो अब मैं बनाती हूँ भटूरे गरम गरम खाने के लिए। और शिवी के लिए मैंने जो है वो अलग से कुछ और बनाया था, क्योंकि उसने डोसा भी ज़्यादा नहीं खाया, तो मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे। और यहाँ पे देखिए, भटूरे जो है मैंने अपने साइज़ जो कढ़ाई के साइज़ है ना उसके हिसाब से बेला है। अब भटूरे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, मगर मिस्टर तो मेरे हैं ना, वो मेरे बिना नहीं खाते, तो उनको ने थोड़ा सा वेट किया, कहा कोई नहीं अब बना के रखो साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक एक भटूरा मैंने आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से फटाफट फूले जा रहे हैं, जितनी बड़ी कढ़ाई उस हिसाब से मैंने अपने भटूरे जो है वो किए थे। ये देखिए गोलगप्पे की तरह एक एक सारे भटूरे फूल गए, तो बहुत ही अच्छे बने थे, क्योंकि आटे को मैंने 2 से 2.5 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, सुबह मॉर्निंग में ही जब ब्रेकफास्ट बनाया था तभी मैंने कर दिया था। और यहाँ पर ये थाली जो है रेडी हो गई है, आप लोगों को अगर मैं खिला सकती तो पक्का खिलाती, बहुत ही टेस्टी यमी थे, आप लोग भी बना के घर पे खाइए। आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, मतलब कि शाम के वक्त मिल रही हूँ मैं। हम लोग छोले भटूरे खाने के बाद मैं गई थी सो, मैंने 2 से 2.5 घंटे की नींद ली होगी शिवी को सुला करके, और फिर मिस्टर को कह दिया कि संडे है तो आज आराम कर लो, फिर कल से ऑफिस है, वही काम वही चीजें, सारा रूटीन चेंज हो जाता है मंडे टू फ्राइडे के लिए। तो फाइनली सो वो शिवी के लिए मैं बता दूं, शिवी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवी को हुआ क्या था, बहुत से लोगों ने पूछा था मैंने कम्युनिटी पे, तो आई थिंक शिवी जिस दिन शिवी का फीवर कम होना शुरू हुआ था या हो गया था कम, हाँ शाम तक हो ही गया था कम, उस दिन मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि शिवी की तबीयत जो है पहले से बेटर है, बट अभी मैं फिर भी कुछ दिनों बाद वीडियो डालूंगी, क्योंकि वो पहले अपने खान पान पे उसका जो है, वो तो छोटी बच्ची है ना, वो खुद तो ध्यान देगी नहीं, मुझे ही देना है। और शिवी को बहुत तेज फीवर आ गया था, फर्स्ट टाइम इन 2 सालों में शिवी को इतनी तेज फीवर कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। शिवी को जब भी फीवर आया, जब वो वैक्सीन वगैरह लगवा कर, किसी किसी वैक्सीन में आया, हर एक वैक्सीन में उसको फीवर भी नहीं आया है, या एक आध बार उसको वैसे कभी फीवर आया, बट इतनी तेज कभी नहीं आया, मैक्सिमम उसे 100 डिग्री आया होगा, मगर इस बार 102-103 डिग्री उसको बुखार था फर्स्ट डे जो था। और पता नहीं अचानक से फीवर क्यों आया, आई थिंक ये सीजनल फीवर था, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त डेंगू और कोविड का तो आपको सबको पता है, बट हम लोगों का पहले क्या होता है, अगर थोड़ा सा कफ या खांसी जुकाम बुखार एक साथ हो जाता है ना, तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में चीजें से लोग डरे हुए हैं ना, कोविड, वो दिमाग वहीं जाता है, आप कितना भी हटा के रखो ना, आपका दिमाग वहीं जाता है कि यार कहीं वही तो नहीं है, यार कहीं वही तो नहीं है। तो देखो वो आप कितना भी सोचो ना कि नहीं 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 वो नहीं है वो नहीं है, बट आपको लगता है एक बार कि, क्योंकि पूरी दुनिया में वही चीज़ें चल रही हैं और अभी तक उसकी कोई वैक्सीन भी नहीं आई, तो प्रॉब्लम तो होती है। तो शिवी को जिस दिन विक्रम आया था शाम को, आई थिंक मंडे विक्रम ऑफिस गए थे, ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे की शाम तक दोपहर में हल्का हल्का मुझे लगा था उसकी बॉडी थोड़ा टेम्परेचर गर्म हो रहा, तो मेरे पास जो घर में पैरासीटामोल जो उसकी शीशी रखी थी वो मैंने थोड़ी सी दे दी थी, बट उससे असर नहीं हुआ, और शाम तक उसको और फीवर चढ़ गया। और शाम को जब फीवर चढ़ा तो वो बहुत लुस्त हो गई, लेजी टाइप की हो गई, एक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी शिवी की। और जब देखा तो मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा हो रही थी, और शाम तक होते 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 बहुत टाइम हो गया था। फिर उस टाइम पे डॉक्टर के पास भी हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर डॉक्टर के फीवर में जनरली जब बच्चे घर पे होते हैं तो खांसी जुकाम बुखार की हर पेरेंट्स अपनी दवा रखते हैं बच्चों की, तो वही दवा बेसिकली थी एक कॉमन दवा, तो वो हमने जब दी तो सिर्फ उसका फीवर उस टाइम उतर गया, बट अर्ली मॉर्निंग में शिवी को फिर से बहुत तेज वाला फीवर आ गया। और फिर जब शिवी उठी तो शिवी का फेस यू मुंह एकदम स्वेलिंग हो रहा था, रेडनेस आ गई थी फेस पे, और आंखों से पानी गिर रहा था, और बहुत रोई है, बहुत रोई है। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, इवन मैं भी रोई थी, मैं सही बताऊं तो अभी मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, उस टाइम पे मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे बहुत डर सा लग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि कहीं कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, कुछ हमने इतनी प्रिकॉशंस ले रखे हैं, सब कुछ ले रखा है। शिवी को सिर्फ मैं 2 डेज के लिए नीचे साइकिल में घुमाने ले गई थी, उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिया था, उसको हुए हुए 1 हफ्ता हो गया था, तो मैंने वही सोचा कि अगर ऐसा होता तो उस टाइम में ही स्टार्टिंग में ही हो गया होता, अगर कुछ ऐसा, अगर हमने कुछ मिस किया होता प्रिकॉशन लेने में, तो शिवी को मैं साइकिल भी अपने यहीं पे घर के बाहर ही चलाना सिखाना शुरू कर दिया था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और हमारे अंदर कोई ऐसे कुछ सिम्टम्स डेवलप नहीं थे, कुछ था नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब सा हो रखा था, मैं डर सी गई थी, मैं थोड़ा सा उस दिन तो मैं थोड़ा रोई भी थी। और विक्रम मुझे यही, विक्रम ने ऑफिस से छुट्टी ली, विक्रम ने बोला कि नहीं ऐसा डरो मत,
डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेते हैं वो सुबह, मतलब हम सोचे थे कि 9 बज जाए, शिविर की जो जिनको दिखाते हैं उन डॉक्टर की क्लिनिक 9 बजे 9:30 ऐसे ही ओपन होती है। तो वहाँ पे पहले उनसे बात की, तो हमारी पहले बात हुई डॉक्टर की क्लिनिक में, जो क्लिनिक जो वहाँ पे बैठती है मैडम उनसे बात हुई, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट हमें दे दी। बट जब डॉक्टर वहाँ पे किसी इमरजेंसी केस की वजह से नहीं आ पाए थे, किसी और का था आई थिंक, तो उन्होंने डॉक्टर ने हमें कॉल कर लिया था और उन्होंने पूछा हमसे कि क्या हुआ है। तो उन्होंने पूछा कितनी डिग्री है अभी बताओ चेक करके, तो हमारे पास थर्मोमीटर की मशीन है, हमने उसे चेक किया तो 102 डिग्री कुछ पॉइंट था उसका फीवर। तो शिवी को वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, ऑनलाइन ही हमने कंसल्ट किया डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने पूछा कि खांसी जुखाम नोज बह तो नहीं रही है, हमने नोज ऐसी कुछ नहीं बह रही, और खांसी उसको एक दो बार थोड़ी बहुत आई है बट ऐसा कोई कफ वाला नजर नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है एक मेडिसिन दे रहे हैं जो खांसी जुखाम बुखार तीनों के लिए है। और वेट पूछा डॉक्टर ने कि शिवी का वेट कितना है, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देते हैं, तो वेट पूछा, वेट के अकॉर्डिंग उसको दवा दी, दवा जो पहली वाली फीवर की थी उससे चेंज थी। उन्होंने कहा नहीं वो वाली दवा आप बंद कर दीजिए, वो वाली दवा मत दीजिए, वो छोटे बच्चों को दी जाती है, अब वो 2 साल की हो गई, उस वेट के अकॉर्डिंग उसको ये वाली मेडिसिन दीजिए और 2 दिन एटलीस्ट। आज उन्होंने कहा कितने दिन हो गए, हमने कहा कल शाम से फीवर आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आज और कल शाम तक नहीं उतरा तो परसों आप आकर के एक बार चेक करा लीजिए, फिर टेस्ट करा लीजिएगा। तो हमने फिर कहा ठीक है, फिर वो मेडिसिन लेकर आए, फिर वो मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद शिव का मतलब देने के बाद और उन्होंने कहा था सुबह शाम दोपहर 3 टाइम देना, और फीवर उतर भी जाएगा तो भी एक दिन एक्स्ट्रा दवा देना फीवर उतरने के बाद, क्योंकि कभी कभी अंदर से फीवर नहीं जाता है। तो वो सारा सब कुछ हमने फॉलो किया और फाइनली फिर शिवी को धीरे धीरे सेकंड डे फीवर कम हुआ और थर्ड डे फिर उसका बिल्कुल उतर गया, और फिर जैसे जैसे उसका फीवर उतरा वैसे वैसे वो एक्टिव हुई, खाने पीने में उसने सब कुछ छोड़ दिया था और ठंडा नहीं देना था, जैसे दही उसे पसंद है मैं देती थी, दही मना किया रखा था, दही जूसेस वगैरह नहीं दे सकती थी, बट हाँ मुझे जैसे फ्रूट्स वगैरह देना था, एप्पल वगैरह देना था, मगर बच्चों को पता रहना जो बच्चे नहीं खाते तो नहीं खाते, मेरी शिवी एप्पल वगैरह नहीं खाती जो कि गलत है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ एप्पल खीर या ये वो नहीं खाती। अब मैं रुला के इस सिचुएशन में नहीं खिला सकती कि वो रो रो कर खाए, रो रो कर मूंग दाल हो गई या फिर अरहर दाल हो गई, दाल का पानी हो गया, सूप हो गया, यही सारी चीजें पिला खिला करके और सब चीजें यही सारी छोटी छोटी, क्योंकि वो खा तो जल्दी रही नहीं रहती, रोटी पराठे कुछ नहीं खा रही थी, और बस धीरे धीरे करके उसको खाने में फिर इन्वॉल्व किया, खेल खेल में मैं और विक्रम एक दो रात हम लोग सोए भी नहीं क्योंकि बहुत टेंशन हो गई थी हमारे अंदर, एक डर सा आ गया था। भगवान से प्रे किया, भगवान प्लीज 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 बच्चे को जल्दी ठीक कर दो और ये बीमारी जल्दी से दूर कर दो हर जगह से, और हमें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि थर्ड डे अगर नहीं जाता फीवर तो ऑब्वियसली डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने हमें ऑनलाइन कंसल्ट किया था हमें जाना पड़ता टेस्ट कराने के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा हो गया। और बस यही बोलूंगी किसी को भी यार, किसी को भी नहीं, क्योंकि मुझे हमें तो बस एक शिवी को थोड़ा सा फीवर, थोड़ा क्या बहुत तेज फीवर ही था, उस फीवर में हमारी जान निकल गई, तो पता नहीं आगे जो ये चीज फेस कर रहे हैं ना उनके साथ क्या फील हो रहा होगा, मतलब बहुत ऊपर से वेदर, ये शायद जो फीवर था सीजनल फीवर था इस वजह से, बट हाँ अब शिवी फिट है, फाइन है, पहले की जैसे एक्टिव है। किसी ने कहा था वॉल पेंटिंग करने के लिए, तो वो करना शुरू कर दिया उसने, खेलना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, और सही बताऊं बच्चे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, हम बच्चों को भले जब वो एक्टिव होते हैं ना कहते ये मत करो वो मत करो ये मत तोड़ो वो मत तोड़ो, तो हम तब उस वक्त ये बोलते हैं, बट जब बच्चे वही जब बीमार पड़ जाते हैं ना एकदम लस्त हो जाते हैं, बिल्कुल बोलते तक भी नहीं है और रोते हैं, तो लगता नहीं है बच्चे खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं, बच्चे शैतानी करते हुए अच्छे लगते हैं, वो उनका टाइम वही अच्छा लगता है, भले हम लोग चिल्ला रहे हो तो क्या हुआ, वो खेलते हुए अच्छे लगते हैं। और वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उस टाइम पे वीडियो बनाऊं और सबको बताऊं कि मेरे बच्चे को कितना फीवर है कितना क्या है, बच्चा ठीक है पहले मेरी प्रायोरिटी, मेरे लिए सबसे पहले मेरी बेटी है, और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने यूट्यूब से ज़्यादा या फिर कुछ भी, चाहे विक्रम ने भी अपने ऑफिस में जॉब से छुट्टी ली ना, तो फैमिली से बढ़ करके और बच्चे से बढ़ करके कुछ नहीं है, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो
तो सबसे पहले अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो नहीं तो कुछ नहीं, वो है तो सब कुछ है, बस यही बोलूंगी। आज मैं थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा ऐसी बातें कर रही हूँ, बट क्या करूँ, जो मैंने इस टाइम पे फील किया, फेस किया, वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ।